हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? चलो बढ़िया रहो, अच्छे से खाओ पियो, मस्ती करो और थोड़ा बहुत पढ़ लो। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आप इस समय फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूं कि आपने लगातार इस चैनल को सपोर्ट किया है बच्चों, और आपके सपोर्ट के कारण ही ये चैनल जो है वो ग्रोथ कर रहा है। आप हैं तो मैं हूँ, ये बात ध्यान रखिए। इस चैनल का अस्तित्व तभी है जब तक आप इस चैनल को क्या करते जाएंगे, सपोर्ट करते जाएंगे। और इस सपोर्ट के लिए आप जो भी कर सकें वो प्लीज़ 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 करिए, बस आपको इतना कहूँगा। और पढ़ाने का दायित्व मैं लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर कोर्स करवा देंगे क्या? आप चिंता न करें बच्चों, कोर्स अपना बहुत अच्छे से होगा, बिल्कुल भी चिंता न करें। कोर्स रिड्यूस होगा, ये चांसेस हैं। ये बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर 30% रिड्यूस हो गया, 40%। 30% का CBSE ने बोला है कि रिड्यूस करने का। RBSE की गाइडलाइन जैसे ही आती है अपन देखते हैं, अदर स्टेट्स की गाइडलाइन को भी अपन देखेंगे। तो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स छूट गए हैं, मतलब जो छोड़ दिए हैं बोर्ड ने, वो भी अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। उसका रीज़न भी है। रीज़न ये है बच्चों कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक जो बोर्ड बोल रहा है छोड़ दो, क्या वो पर्टिकुलर टॉपिक आपकी नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा? आप IIT फाइट करेंगे, आप नीट फाइट करेंगे, आप NDA देंगे, आप बहुत सारी पर्टिकुलर एग्जाम्स देंगे, वाई ग्रुप देंगे, एक्स ग्रुप देंगे, जो भी आप दे रहे हों, ठीक है, क्या उनमें ये क्वेश्चन नहीं आएंगे? उनको थोड़ी पता है, या फिर वो थोड़ी बोलेंगे कि ये टॉपिक बोर्ड ने छोड़ा था इसलिए हम इसमें से नहीं देंगे? नहीं बच्चों, वहाँ पे तो आएगा। तो जब आप IIT या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो बेसिक पता होना चाहिए ना, ताकि आप अच्छे से कोचिंग में उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, है ना? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप जब किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए टॉपिक के बारे में, अच्छे से उसका बेसिक तो पता हो, तब जाके तो आप उसके क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है? तो अपन उन टॉपिक को भी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मैं बता दूंगा, जैसे ही सिलेबस अपडेट हो जाता है कि हाँ ये टॉपिक छोड़ दिया है, तो आप अभी चाहे तैयारी नहीं करना चाहते हो तो मत कीजिएगा उनकी तैयारी, लेकिन कम से कम उस टॉपिक को एक नज़र से तो निकाल ही लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो मेरे हिसाब से आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है भंवरधारा। उम्मीद करता हूँ भंवरधारा का लास्ट वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। देखा है? नहीं देखा है बच्चों, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक पार्ट उसी में मैंने बता दिया है। मैं आपको अभी थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या हो रहा है। देखिए क्या होता है, जब किसी, समझना इस चीज़ को, जब किसी धातु का ये जो टुकड़ा है बच्चों, इस धातु के टुकड़े से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो इस धातु के टुकड़े में क्या उत्पन्न होती है? भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। चूंकि इन धाराओं का आकार किसकी तरीके से होता है? जल में उत्पन्न भंवर के समान होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक है? अब ये जो भंवर धाराएं हैं, इनके दो काम हैं मुख्यतः। पहला मैंने आपको क्या बताया था? विद्युत चुंबकीय अवमंदन का, कुल मिलाकर के गति को रोकना है या दोलन को कम करना है। वापस से समझ लो, पहला काम क्या है? जो दोलन हो रहे हैं, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहे हैं, उनको रोकना, या फिर किसी की गति को रोकना। कोई चल रहा है और उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न कर दो, बेचारे की गति रुक जाएगी। कोई दोलन कर रहा है, कोई आगे पीछे घूम रहा है, उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न कर दो, उसकी गति रुक जाएगी, उसका दोलन रुक जाएगा, ठीक है? और फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये गर्म कर देती हैं धातुओं को। कैसे गर्म करती हैं? तो आप सभी को पता है H=I²R, जितनी ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी उतनी ज़्यादा ऊष्मा, उतनी ज़्यादा हीट बनेगी, हीट बनेगी तो गर्म होगा, नहीं होगा होगा तो इन्हीं पर्टिकुलर गुण के कारण, ये भंवर धारा के गुण हो गए एक तरीके से, ठीक, इन्हीं पर्टिकुलर गुणों के कारण ही भंवर धारा का क्या किया जाता है? विभिन्न जगह उपयोग किया जाता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर भंवर धाराएं अच्छी होती हैं या फिर बुरी होती है, खराब होती है? तो पहली बात समझो, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, ठीक है? एक हेड एक टेल, कोई चीज़ अच्छी है तो कोई चीज़ खराब भी है। ये मोबाइल है जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यही मोबाइल है जिससे आप अदर फर्जी एप्लीकेशन भी चला रहे होंगे, लूडो पे 3-3 घंटे बिता रहे होंगे, ठीक है? दोनों काम इसी मोबाइल ने किया, पढ़ाया भी इसी ने एक तरीके से, अभी के समय तो इसी ने पढ़ा रहा है, ठीक है? और लूडो भी यही खिलवा रहा है। इससे अच्छा है लूडो बच्चों अपने दोस्तों के साथ में उसमें खेलो ना, वो ज़्यादा अच्छा है। क्या इसमें अपनी आंखें फोड़ लेते हो उस लूडो के अंदर? मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ लूडो खेलते रहते हैं। खेलो यार, आधा घंटा खेलो, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, छोटे भाई बहन नहीं है, बड़े भाई बहन नहीं है, तो हम मान लिया कि हाँ आधा एक घंटा। बच्चे तीन तीन घंटे की कैपेसिटी है, ये तो पबजी को बैन कर दिया है, नहीं तो भगवान। चलिए तो भंवर धारा की एप्लीकेशन सबसे पहले अपन लिख देते हैं टॉपिक, भंवर धारा के उपयोग। भंवर धारा के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। हाँ भाई क्या है? सबसे पहला डेड बीट गैल्वेनोमीटर, रुद्ध दौल धारा मापी, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डेड रुद्ध, दौल को बीट और धारा मापी को गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर ऐसी धारा मापी जिसके संकेतक के दोलन को क्या कर दिया जाए, रुद्ध कर दिया जाए। किसकी सहायता से? भंवर धाराओं की सहायता से। वो कौन सी धारा मापी होगी? आंसर है रुद्ध दौल धारा मापी होगी। हो गया क्या क्लियर? वापस से, वह धारा मापी जिसके संकेतक के दोलनों को क्या किया जाए, रुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए। किसकी सहायता से? भंवर धारा की सहायता से। वह धारा मापी क्या कहलाती है? रुद्ध दौल धारा मापी कहलाती है। पता चल गया? चलिए अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको सातवां चैप्टर पता है तो सातवें चैप्टर में आपको पता होगा कि एक आयताकार क्या होती है, किसी भी धारा मापी के अंदर एक कोर होती है ना, ये आयताकार फ्रेम है जिसके अंदर एक रॉड होती है, और इस आयताकार फ्रेम के ऊपर हम क्या लपेट देते हैं? आंसर है विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। लपेटा जाता है, नहीं लपेटा जाता, ठीक। अब ये बात और ध्यान में रखो कि ये जो अंदर वाली आयताकार फ्रेम है, ये आयताकार फ्रेम है ना अंदर वाली, ये फ्रेम या तो हमारी किताब की माने, जब हम सातवां चैप्टर पढ़ रहे थे तब इस फ्रेम को लिया गया था एल्यूमिनियम का, लेकिन सामान्यतः इसी फ्रेम को बनाया जाता है कॉपर का। ये कॉपर के ही तार हैं, और इन कॉपर के तारों को किन के ऊपर लपेटा जाता है? कॉपर की फ्रेम के ऊपर ही लपेटा जाता है, तांबे की फ्रेम पर ही लपेटा जाता है। ऐसा क्यों? तो ये समझिएगा कि जब इस तांबे की फ्रेम से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चेंज होता है, या फिर जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है, इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आता है, तो क्या होता है बच्चों, इस फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? भंवर धाराएं। और ये भंवर धाराएं क्या करती हैं? तो हमने बोला कि जब इन तारों में धारा जा रही थी, समझिएगा, जब इन मेन तारों में धारा जा रही थी तो ये कुंडली क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी। क्यों हो रही थी भाई? टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, और हम बोलते हैं थीटा का मान तो मिशन 90 डिग्री होता है। क्यों होता है भाई? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो ये जो लगने वाला बलाघूर्ण है वो तो सर्वाधिक ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा बच्चों? तो इस बलाघूर्ण के कारण जितनी ज्यादा मूल धारा जाएगी, यहां पर आई मैं कौन सी धारा बोल रहा हूँ, मूल धारा, जितनी ज्यादा इस धारा मापी में मूल धारा जाएगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगी, घूमेगी, ठीक है। चलिए अब इसके घूमने से, इस आयताकार कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो फिर इस आयताकार फ्रेम से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में चेंज आने से इस आयताकार फ्रेम में क्या उत्पन्न होगी, भंवर धारा, ठीक है। लेट्स सपोज करो वो क्या है, आई डैश है। अब ये भंवर धारा क्या करेगी, तो हम बोलते हैं जब ये घूमती है बच्चों, ठीक है, विक्षेपित होती है, तो एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के ऐसे पॉइंटर्स का क्या करता है, ऐसे वाइब्रेट, ऐसा कुछ आप समझिए, ये जीरो, ठीक है, मैं धारा मापी की बात कर रहा हूं। फिर आपने जैसे धारा मापी में धारा बहाई, कुंडली घूमी तो ये जो संकेतक है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो मतलब ऐसा गया, लेकिन ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे नहीं आता, ये क्या करता है, इस पॉइंट पे आने के बाद में ऐसा 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 वाइब्रेट होने लगता है,
ठीक है, इसे बोलते हैं दोलन करना, साम्यावस्था के सापेक्ष दोलन करना। यह धारा मापी में धारा को अगर जीरो कर दोगे तो ये वापस यहाँ आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली जीरो पे आ जाना चाहिए, लेकिन आता नहीं। ये क्या करता रहता है, ऐसा 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 कुछ देर तक ऐसा ऐसा दोलन करता रहता है। ठीक है, बताओ भाई हमारे लिए रिटेटिंग है या नहीं। हम तो धारा को जीरो करें तो ये डॉट किस पे आ जाना चाहिए, जीरो पे आ जाना चाहिए, और बहुत जल्दी आना चाहिए, है ना। हम चाहते हैं कि एक दो सेकंड के अंदर ये जीरो पे आ जाए, नहीं, लेकिन ये भाई साहब तो 10 सेकंड तक ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हम ऐसा चाहते ही नहीं है कि भाई ये दोलन करना ही नहीं चाहिए, धारा को जीरो किया तो वापस ये जीरो पे उसी समय आ जाना चाहिए, इसके दोलन क्या होने चाहिए, रुकने चाहिए। तो हमने क्या किया, ये जो कॉपर की फ्रेम है, इस कॉपर की फ्रेम में क्या उत्पन्न हो जाएगी, भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। भंवर धारा उत्पन्न होने से वो क्या करेगी भाई, इसकी गति का विरोध करेगी, इसके दोलन का क्या करेगी, विरोध करेगी। दोलन का विरोध करने से ये अपनी साम्य अवस्था में बहुत कम समय के अंदर ही वापस आ जाती है। ठीक है, या फिर इस वाले पॉइंट पे भी ये वाइब्रेट नहीं होती, इस पर भी ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही वैल्यू दिखाती है। क्यों दिखाती है, क्योंकि इस आयताकार फ्रेम में क्या उत्पन्न हो गई, भंवर धारा। वो भंवर धारा क्या कर रही है, इसके दोलनों का विरोध कर रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, बात समझ में आई। हम क्या बोलते हैं वो समझिएगा, कि हमें पता है कि जब किसी धारा मापी में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसकी कुंडली में उत्पन्न बलाघूर्ण के कारण वह कुंडली क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। हो गई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित। ठीक, इस स्थिति में धारा मापी की कुंडली जो कि तांबे की फ्रेम पर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को लपेटने से बनी है, कि तांबे की फ्रेम में क्या उत्पन्न होती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये भंवर धाराएं इसकी कुंडली में उत्पन्न दोलनों का क्या करती हैं, विरोध करती हैं, जिससे यह बहुत कम समय में ही अपनी साम्यावस्था में वापस आ जाती है। ठीक है, ये बात चलिए मैं लिख देता हूं, और वैसे आपको नोट्स मिल ही जाएंगे। किसी धारा मापी में धारा प्रवाहित करने पर यह विक्षेपित होकर साम्यावस्था तक आने में कुछ समय लेती है। अतः धारा मापी की फ्रेम को तांबे की बनाकर उस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों को क्या किया जाता है बच्चों, लपेटा जाता है। जिसके कारण तांबे की फ्रेम से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में क्या आता है बच्चों, परिवर्तन आता है, तथा इसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। इस भंवर धारा
के प्रभाव स्वरूप विद्युत चुंबकीय अवमंदन होता है। और कुंडली अपनी साम्य अवस्था में जल्द ही आ जाती है। ठीक है, यही क्या है भंवर धारा का किस में उपयोग है? रुद्धदोल धारा मापी में उपयोग है। इसमें क्या किया जा रहा है? दोलनों को अवरुद्ध किया जा रहा है। और किसकी सहायता से? भंवर धारा की सहायता से। इस चीज़ को आपको मेनली ध्यान में रखना है, दिमाग में रह जाएगा। ये बहुत सिंपल सा था बच्चों, ध्यान में रखो, चीज़ों को तोड़ो। धारा मापी में धारा बही तो वो क्या हुई? विक्षेपित हुई, अपनी साम्यावस्था से विक्षेपित हुई, और उसे वापस से साम्यावस्था में आने में क्या लगेगा? समय लगेगा, कुछ समय लग जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी फ्रेम को किसका बनाया जाता है? तांबे का बनाया जाता है। और उस तांबे की फ्रेम पर क्या लपेटे जाते हैं? तार लपेटे जाते हैं। जब वह धारा मापी की कुंडली विक्षेपित होती है तो उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चेंज होता है, जिससे उस फ्रेम में क्या उत्पन्न हो जाती है? भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि उसके दोलनों का क्या करती है? विरोध करती है, और वह जल्दी ही अपनी समय अवस्था में आ जाती है। इतना ही करना था, है ना? चलिए, यह हुआ। अब इसके बाद में डेड बीट गैल्वेनोमीटर के बाद में विद्युत रेलगाड़ियों में ब्रेक में विद्युत रेलगाड़ी कौन सी? हाँ, आजकल तो बड़े बड़े शहरों के अंदर लगभग यही चल रही हैं, विद्युत रेलगाड़ियाँ, कॉरिडोर जिसे हम आजकल बोल देते हैं। विद्युत रेलगाड़ियों में ब्रेक कैसे लगाए जाते हैं? आंसर है भंवर धारा के कारण लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं वो समझिए। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, आप सभी के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरी आएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? वो है विद्युत रेलगाड़ी में ब्रेक में कैसे, वो समझिए। मैं आपको शॉर्ट पॉइंट लिख दूंगा, उससे आप समझ लें क्या होता है विद्युत रेलगाड़ी के अंदर। बच्चों, हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो ट्रेन होती है ना, उसके जो टायर होता है, पहिया जो उसका होता है, उस पहिए के साथ में एक धात्विक ड्रम को जोड़ दिया जाता है। ये तो है पहिया, और इसके साथ में किसको जोड़ दिया? धात्विक ड्रम को जोड़ दिया। ठीक है, अब इस ड्रम को जोड़ने से क्या कर रहे हैं? ये धातु का ड्रम है। अब जब हमें ब्रेक लगाने होते हैं ना बच्चों, तो इस धात्विक ड्रम से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को क्या करवाया जाता है? चेंज करवाया जाता है, या इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र को क्या करवाया जाता है? परिवर्तित करवाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए। हम बोलते हैं कि ये जो ये पहिया जो है ना, जैसे जैसे पहिया आगे की ओर चलता जाता है, घूमता जाता है, धात्विक ड्रम भी उसके साथ में क्या करता जाता है? घूमता जाता है, आगे की ओर चलता जाता है। अब जैसे ही हमें ट्रेन में ब्रेक लगाने होते हैं, तो इस धात्विक ड्रम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। ऑटोमेटिकली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से क्या होगा बच्चों? सोचो, पहले तो कोई चुंबकीय क्षेत्र था ही नहीं, फिर आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हो, तो जीरो से आप चुंबकीय क्षेत्र को एक पर्टिकुलर लिमिट तक बढ़ा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो हम बोलते हैं जैसे ही इस धात्विक ड्रम में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है, इस धात्विक ड्रम के भीतर भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं। धात्विक ड्रम में क्या बनी? भंवर धाराएं। और ये भंवर धाराएं किसका विरोध करती है? ट्रेन के पहिए की सापेक्ष गति का विरोध करती है। भाई मैंने बताया तो नहीं बताया था, ये गति का क्या करती है? विरोध करती है। और जैसे ही ये गति का विरोध करेंगे तो ट्रेन में क्या लगना चालू होगा? ब्रेक लगना चालू होगा। ब्रेक लगेगी तो फिर वो रेलगाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। वापस से समझिए,
विद्युत ट्रेनों के अंदर ट्रेन के पहिए के साथ एक धात्विक ड्रम को जोड़ दिया जाता है। यह धात्विक ड्रम पहिए के साथ ही गति करता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा लिखना है। जब ट्रेन में ब्रेक लगाना होता है तो इस धात्विक ड्रम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, जिससे इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। इस धात्विक ड्रम में उत्पन्न भंवर धाराएं पहिए की सापेक्ष गति का विरोध करती हैं, जिससे विद्युत रेलगाड़ी में क्या लग जाती हैं, ब्रेक लग जाते हैं। और ये ब्रेक बहुत स्मूथ लगते हैं बच्चों। स्मूथ का मतलब आप किसी बड़ी लग्जरी कार के अंदर बैठो, है ना। लेट सपोज करो अपन जा रहे हैं BMW के अंदर, वो BMW वाले ने ब्रेक लगाए, है ना, अपन ने ब्रेक लगाए। जैसे ही अपन ब्रेक लगाते हैं बच्चों, गाड़ी बहुत स्मूथ रुकती है, ऐसे धचके खा करके नहीं रुकती। धचके खाने का मतलब क्या है, आप और मैं जिस रेलगाड़ी में सामान्यतः बैठते हैं वो रेलगाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो उसे धक 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 की आवाज आती है, टक 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 टक, रुक जाती है वो। ऐसा ही होता है ना, ऐसा वाइब्रेट होती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है उनमें लगने वाला जो ब्रेक है इतना स्मूथ होता है कि पता ही नहीं चले कि वो ब्रेक लग भी गया क्या। बहुत स्मूथ ब्रेक होता है, ठीक है। यही कारण है कि पटरियों का और टायरों का इसके अंदर कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती। ना पटरियों को ज़्यादा हानि होती है, ना ही टायरों को कोई ज़्यादा हानि होती है, पहियों को कोई हानि होती है। यही इसका मेन उपयोग भी आप कह सकते हैं। इससे क्या हुआ, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो गया, ठीक है। बता देता हूँ आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले रेलगाड़ी का क्या बच्चों, पहिया। उस पहिए के साथ में क्या लगाया हमने, धात्विक ड्रम लगाया। धात्विक ड्रम क्या करता है, पहिए के साथ गति करता है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। जब ट्रेन में क्या लगाना होता है, ब्रेक लगाना होता है, तो धात्विक ड्रम में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या किया जाता है, उसमें उत्पन्न किया जाता है। धात्विक ड्रम में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से क्या होती है, उसमें भंवर धारा उत्पन्न होती है। भंवर धाराएं क्या करती हैं, सापेक्ष गति का विरोध करती हैं या गति का विरोध करती हैं, आप सीधा लिख दीजिएगा। गति का विरोध करने से ट्रेन में क्या लग जाते हैं, ब्रेक लग जाते हैं, ठीक है। ये ब्रेक क्या होते हैं, बहुत स्मूथ और आसानी से लग जाते हैं, जिससे ट्रेन के पहिए और पटरियों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती है। क्योंकि घर्षण जो है जिस रेंज से काम करता है उतना प्रभावी नहीं हो पाता, इतना स्मूथ लगता है ये ब्रेक, ठीक है। तो घर्षण के कारण होने वाला जो जीर्ण शीर्ण है वो इनके अंदर तो नहीं होता, इनके ब्रेक्स में नहीं होता। पता चल गया ये, तो इन पॉइंट्स को आप जोड़ लोगे तो आपकी थ्योरी आसानी से बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया बच्चों, विद्युत रेलगाड़ी के अंदर ब्रेक लगाना, ब्रेक्स इन इलेक्ट्रिक ट्रेन। नेक्स्ट तीसरा, डायथेरेपी। अब ये क्या चीज़ है, मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। इसका एग्जांपल मैं बच्चों को हमेशा देता हूँ। देखो, इसे हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा पार्य उपचार। क्या बोलते हैं इसको, तीसरा पॉइंट, ऊष्मा पार्य उपचार, डायथेरेपी। अब ये क्या चीज है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल सा पैटर्न, जिससे हमें इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखो, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है,
इंसान का जो शरीर है ना वो उतना अच्छे से काम नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। उसके बहुत सारे भागों में क्या उत्पन्न होने लगता है, दर्द होने लगता है। कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी पाँव में दर्द हो रहा है, कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी कहाँ, ठीक है। तो ऐसे उसके दर्द होता ही रहता है। अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लेट सपोज करो हमारे पीठ में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, जो मैंने मेरे घर में देखा है, एक शायद आपने भी देखा होगा, एक प्लास्टिक की पॉलिथीन आती है ना, थैली जैसी आती है, उसमें गर्म पानी डाल देते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं और जहाँ पे दर्द हो रहा होता है उस पर वहाँ पे लगा लिया और सो गए। तो जैसे पीठ पे दर्द हो रहा है तो बेड के ऊपर वो गर्म पानी वाली वो जो थैली रख दी और फिर उसके ऊपर हम लेट गए। तो क्या हुआ, वो गर्म पानी वाली थैली से हमारी पीठ को क्या मिला, सिकताव मिला, गर्म हुई, ठीक है। गर्म होने से बच्चों दर्द कम होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप मालिश करते हो ना, मालिश ऐसा ऐसा करते हैं तो हमारा जो लेट सपोज करो पाँव में दर्द हो रहा है या हाथ में दर्द हो रहा है, अगर हाथ की मालिश कर दी जाए तो हमें वो दर्द कम महसूस होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मालिश से जो रगड़ होती है वो हमारे शरीर को गर्माहट देती है और उस गर्माहट से चीज़ें ठीक होने लगती हैं, हमें ऐसा लगता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये गर्माहट ऐसे ही दे कोई जरूरी नहीं है, किसी के पास में वो ऑप्शन है, गर्म पानी वाली थैली है तो ठीक है, नहीं तो मैंने ये भी देखा है कि मेरे मतलब जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मम्मी क्या किया करती थी कि ईंट होती है ना, ईंट बच्चों, ईंट को चूल्हे में गर्म करती थी, ठीक है, वो ईंट गर्म हो जाती थी, फिर उसी ईंट के ऊपर जल्दी से क्या डाल देते, सूती कपड़ा है ना, उससे उसको लपेट देते, ठीक है। तो फिर ईंट को आसानी से उठा सकते हैं, सूती कपड़े के साथ में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उस ईंट को वहाँ लगाते थे जहाँ पे हमारे दर्द हो रहा है, सिकताव मिल जाता था, ठीक हो जाते थे, ऐसा लगता है, ठीक है। अब मेरे पापा ने एक नया ही कर्तव्य किया, उन्होंने क्या किया, जो प्रेस होते हैं जिससे अपन कपड़े प्रेस करते हैं, ठीक, उस प्रेस को गर्म करते और फिर उसको प्लग को निकाल, वो गर्म हो जाती है उसके प्लग को निकालते, फिर उस प्रेस के ऊपर सूती कपड़ा लपेटते और फिर हाथ पे दर्द हो रहा है तो हाथ के ऊपर सिकताव कर लिया, पाँव पे दर्द हो रहा है तो पाँव पे सिकताव कर लिया, वो मैंने अलग ही देखा था। तो कुल मिलाकर के क्या होता है बच्चों, जिस हमारे शरीर के जिस अंग में दर्द हो रहा होता है वहाँ के उत्तक जो हैं वो रोग ग्रसित होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, सिकताव करते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं या जैसे भी काम करते हैं। ये बेसिक सा पैटर्न है जिससे हमें दर्द की कम अनुभूति होती है और सबसे सिंपल है और सबसे कम पैसों में होने वाला काम है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप बहुत ज़्यादा कमाने लगेंगे, है ना, आपके महीने की तनख्वाह लाखों करोड़ों में होगी, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे डायरेक्ट बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर, है ना, अपेक्स के अंदर चले गए, कांवटिया में चले गए, इनके अंदर तो डायरेक्ट जा करके घुसेंगे, कांवटिया तो खैर सॉरी सरकारी अस्पताल है, तो आप बड़े हॉस्पिटल के अंदर डायरेक्ट ही जाएंगे, जैसे मेदांता ग्रुप में चले गए और वहाँ पे बोल देंगे कि भाई साहब अभी यहाँ पे दर्द हो रहा है तो आप कुछ करो, या फिर हाथ में दर्द हो रहा है कुछ करो, तो वो क्या करेंगे, आपके हाथ में बहुत सारे तार को लपेट देंगे, मतलब उनके पास में एक मशीन बनी हुई है जिसमें बहुत सारे तार पहले से ही लपेटे हुए हैं, मैं तो आपको इसकी वर्किंग बता रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे कंडक्टिंग जो वायर्स हैं वो लपेट देंगे, ठीक है, हाथ में दर्द हो रहा है तो ऐसा लपेट दिया, है ना। अब लपेटने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने उन वायर के अंदर करंट प्रोवाइड करवाई, करंट बहाई उसके अंदर से, फ्लो करवाई उस करंट को, जैसे ही धारा उसमें से गई, परिवर्तित धारा उसमें से गई, क्या उत्पन्न हुआ, उस परिवर्तित धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वो भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तित होगा, वो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र किससे गुजर रहा है, आपके हाथ से गुजर रहा है, ठीक। तो हमारे हाथ में क्या उत्पन्न होगा, उन रोग ग्रसित उत्तकों के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होने लग जाएंगी, ठीक है, इन रोग ग्रसित उत्तकों में भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और वो धीरे धीरे उत्तक क्या होने लगेंगे, गर्म होने लगेंगे, हमारे शरीर को क्या मिल जाएगा, सिकताव मिल जाएगा और वो रोग ग्रसित उत्तक जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर के सिकताव देने के लिए ही क्या है बच्चों, ऊष्मा पार्य उपचार है, ठीक है। कैसे काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि शरीर का जो भाग रोग ग्रसित होता है या जिसमें दर्द हो रहा होता है उस पर हम क्या कर लेते हैं, बहुत सारे तारों को लपेट लेते हैं एवं उन तारों में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से उन रोग ग्रसित उत्तकों में भंवर धाराओं का निर्माण होता है जो उन उत्तकों को गर्म कर देता है एवं हमारे पर्टिकुलर भाग को सिकताव मिलता है। बस इतना सा ही था। क्या करना है, रोग ग्रसित भाग
उसके ऊपर बहुत सारे तार को लपेटना है, उनमें धारा बहानी है, धारा बहाने से क्या हो जाएगा, उन रोग ग्रसित उत्कों के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराओं से उनको सिकताव हो जाएगा, बस यही तो काम करना था, दैट इज डायथेरेपी। तो जब आपको पैसे ज़्यादा हों तो ये करवाओ, अदरवाइज तो मैंने आपको पहले ही 2-3 तरीके बता दिए हैं, वो सबसे सही है। ऑल राइट, अब चौथा और अंतिम प्रेरण भट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इंडक्शन फर्नेस। प्रेरण भट्टी में क्या होता है बच्चों, लेट सपोज करो हमारे पास में कोई धातु का अयस्क है और ये अयस्क का वो टुकड़ा मान लिया, इस धातु के अयस्क से हमें क्या प्राप्त करनी है, धातु प्राप्त करनी है, और हमें ये भी पता है कि इस अयस्क में जो इम्प्योरिटी है ना, जो आप क्या कहें अशुद्धियाँ जो है ना, ठीक, उनका गलनांक समझना अब इस चीज़ को, उनका गलनांक क्या है, अधिक है, जबकि इस धातु का जो गलनांक है वो कम है। कहने का मतलब, लेट सपोज करो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई हमारे पास में धातु है और उस धातु का जो गलनांक है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि उस धातु के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उनका 800 डिग्री सेंटीग्रेड है गलनांक। मतलब इस धातु को 400 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो भी धातु पिघल जाएगी, जबकि अयस्क के अंदर जो अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को कितना देंगे, 800 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तब जाके वो पिघलेगी, उससे पहले नहीं पिघलेगी। ठीक, तो ऐसी धातु जिनका गलनांक जो है उनकी अशुद्धियों की अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, ऐसी धातुओं को पिघलाने के लिए प्रेरण भट्टी का उपयोग किया जाता है। प्रेरण भट्टी में क्या होता है बच्चों, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक उच्च आवृत्ति के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, उच्च आवृत्ति मतलब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो जल्दी से चेंज होता रहे, जिसका परिमाण लगातार क्या होता रहे, चेंज होता रहे, जिसकी दिशा लगातार क्या होती रहे, चेंज होती रहे, और जल्दी 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 जल्दी, अभी देखा तो इस दिशा में था, दूसरी बार देखा तो दूसरी दिशा में, तीसरी बार देखा तो दूसरी दिशा में, वापस से चेंज होता रहा है, उसे बोलते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, और उच्च आवृत्ति का जिसका चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा भी लगातार चेंज होती जा रही है। ठीक, ऐसा जो चुंबकीय क्षेत्र है इससे उस वस्तु में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा, लगातार बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, चेंज होगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स चेंज होगा तो क्या उत्पन्न होगी, भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, भंवर धाराएं अगर उत्पन्न हो गई तो फिर वो चीज़ क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और अगर उसका गलनांक कम है तो वो पिघल भी जाएगी। क्लियर है ये बात, पिघलेगी तो हमने आसानी से अयस्क से क्या प्राप्त कर ली, धातु प्राप्त कर ली। ठीक है, तो अब मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ, ये बच्चे इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज जाते हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं वो समझिए। देखिए जब किसी अयस्क से धातु को प्राप्त करना होता है या पृथक करना होता है तो उस धात्विक अयस्क को उच्च आवृत्ति के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र से क्या किया जाता है बच्चों, गुजारा जाता है, जिससे धातु में क्या उत्पन्न होती है बच्चों, भंवर धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, एवं धारा का परिमाण
ज्यादा होने से। धातु अयस्क या धातु गर्म होकर क्या हो जाती है बच्चों? पिघल जाती है। मात्रा गलत लगा दी शायद मैंने, पिघल जाती है। इस प्रकार किसी अयस्क से धातु को प्राप्त कर लेना ही क्या है? प्रेरण भट्टी का सिद्धांत है। इसी तरीके से प्रेरण भट्टी काम करती है, है ना। तो हमने क्या किया, धातु का टुकड़ा लिया और सॉरी अयस्क लिया, अयस्क को किससे? परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा तो उसमें क्या बही? भंवर धाराएं बही। भंवर धाराओं का परिमाण क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, वो बहुत सारी भंवर धाराएं बही। तो उससे क्या हुआ फिर? वो गर्म हो गया धातु, और धातु के गर्म होने से वो पिघल गया, और पिघल गया तो हमने उसे पृथक कर लिया। ठीक है, इस तरीके से प्रेरण भट्टी काम करती है। ठीक, चलिए, तो ये चार क्या है? एप्लीकेशन है, उपयोग है, इसका आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। CBSE की बुक में एक स्पीडोमीटर भी है, लेकिन अपन उसे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये पता चला। चलिए, अब देखिए, भंवर धारा अच्छी भी होती हैं और ख़राब भी होती हैं। यहाँ पर अपन ने वो उपयोग पढ़े जहाँ हमें भंवर धाराएँ अच्छी लग रही हैं। क्या लग रही हैं? अच्छी हैं। ये उपयोग है ना, उपयोग है तो मतलब हमारे लिए भंवर धाराएँ बढ़िया हैं वहाँ पर। ठीक है, कई ऐसी भी जगह होंगी जहाँ भंवर धाराएँ अच्छी नहीं हैं। ठीक है, वहाँ पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। जैसे ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर भी भंवर धाराएँ उत्पन्न होती है। अपन पढ़ेंगे बच्चों 10वें चैप्टर में, अपन पढ़ेंगे कि भंवर धाराएँ कैसे काम करती हैं ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो वहाँ पर वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ऋणात्मक प्रभाव डालती हैं, विरोधी प्रभाव डालती हैं। ठीक, तो फिर वहाँ भंवर धाराओं को हमें क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो ये और पूछा जाता है कि भंवर धाराओं के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। तो हमने बेसिक चीज को समझा, भंवर धाराएं उत्पन्न कहां हो रही है? आंसर है आयतन में। अगर हम आयतन को ही कम कर देंगे तो फिर भंवर धाराएं कहां उत्पन्न होंगी? कम हो जाएंगे। आयतन को कम करो, भंवर धाराएं कम हो जाएंगी। ठीक है, या फिर उसे बंद पथ बनाने के लिए जगह चाहिए, वो बंद पथ बनाने के लिए वो जगह ही मत दो उसे जहां वो उत्पन्न हो। ठीक है, उस जगह को ही कम कर दो। तो भंवर धाराओं के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? पहला, धातु को कंगे नुमा या खांचेदार, जिसे हम बोलते हैं खांचेदार बनाकर। खांचेदार मतलब जैसे हमारा कंगा होता है ना, कंगा। ठीक है, कंगे में बीच में हवा, फिर एक लाइन, फिर हवा, फिर एक लाइन, तो कुल मिला करके हमने क्या किया, वो खांचेदार हो गया। इस तरीके का धातु बना दो। भंवर धाराओं का लूप ही नहीं, वो लूप भी तो बनाती है, बंद लूप के लिए अगर उसे जगह ही नहीं मिली तो फिर कहाँ से भंवर धाराएं बनेंगी? ठीक है, तो धातु को कैसे बना करके? खांचेदार बना करके। या फिर अगर आप ऐसा नहीं बना रहे हैं तो फिर पटलित क्रोड बना करके, पटलित क्रोड बना करके। पटलित क्रोड का मतलब क्या हुआ? लेट सपोज करो ये कोई धातु का टुकड़ा है, है ना, इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, आपको दिखाई दे रहा है इतनी मोटाई कि मेरे को धातु चाहिए। तो आप पूरी की पूरी ऐसी धातु मत लो, आप क्या लो, बुक, और रेड बुक भी नहीं है अभी तो। अरे देखिए, तो क्या होगा, तो हमने क्या किया, जैसे बुक में पन्ने नहीं होते, पन्ने एक पन्ना और दूसरे पन्ने के बीच में हवा का एक बहुत महीन सी गैप होती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ऐसा बनाना है तो पहले तो एक छोटी सी स्लाइस लो इसके, एक पट्टी लो, पतली सी पट्टी, उसके ऊपर दूसरी पट्टी, पतली सी पट्टी को रखो, फिर उसके ऊपर तीसरी पतली सी पट्टी को रखो, फिर चौथी पतली सी पट्टी को रखो, ऐसे बहुत सारी पतली पतली पट्टियों को, धातु की पट्टियों को एक के ऊपर एक आप रखते जाएं, और उनके मध्य में क्या हो, हवा का गैप हो। तो उससे क्या होगा बच्चों, आयतन में कमी आएगी, मोटाई उतनी हो गई, आयतन का उसका जो अंदर का भाग था जहाँ पर वो भंवर धाराएं बन सकती थी आसानी से ज़्यादा परिमाण की, वो हमने क्या कर दी,
कम कर दी। तो अगर हम पटलित क्रोड बना देते हैं तो भी भवनधाराओं के प्रभाव को क्या किया जा सकता है बच्चों, कम किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिए कि धातु के अंदर, ये लिख लीजिएगा, सवाल है धातु के अंदर भवनधाराओं के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। आंसर है धातु को खांचेदार बना करके या फिर उसकी क्रोड को कैसे बना करके, पटलित बना करके, जैसे पट्टियां होती है ना छोटी छोटी सी, वैसा पटलित कर दिया जाए। चलिए इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा सवाल और आता है, वो क्या सवाल है वो समझिए, समझना। ये पृथ्वी है, ठीक है, और कुछ ऊंचाई से एक प्लास्टिक का सिक्का है आपके पास में, और एक धातु का सिक्का है, कुछ भी कॉपर वॉपर कुछ भी हो सकती है। दो सिक्के हैं सेम आकार के, अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की त्रिज्या का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है, सेम आकार का है, दोनों का क्षेत्रफल वेत्रफल सब कुछ समान है, एक जैसे सिक्के हैं, बस क्या अंतर है, एक प्लास्टिक का है और एक धातु का है, ठीक है। अब इन दोनों को एक ही समय पर क्या कर दिया गया बच्चों, छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया गया है तो ये कहां की ओर आएंगे, कहां की ओर आएंगे, नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर। बताओ भाई कौन सा सिक्का पहले पहुंचेगा, कौन सा पहले पहुंचना चाहिए। चलो ये आज आपके लिए सवाल है कि कौन सा सिक्का पहले पहुंचना चाहिए। लॉजिक लगाओ, चीजों को समझो, आपको आंसर भी मिलेगा। कुछ बच्चे तो मेरे को पता है मोस्टली क्या सामान्य दिमाग लगाते हैं, लेकिन ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और प्लीज़ किताब को मत देखना, प्लीज़ यूट्यूब के ऊपर या फिर गूगल मत करना, आपका मेरे को आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए, कौन सा पहले नीचे गिरेगा और क्यों गिरेगा, आपका क्या कारण है वो बता दीजिए। आपका कारण समझूंगा तभी जाके तो आपके दिमाग के बारे में मेरे को पता चल पाएगा, ठीक है। और बीच जो होकर मेरे को बताएं कि आपने क्या सोचा और क्यों सोचा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ किसको ज़्यादा आता है किसको कम आता है, बच्चों सब लोग सीखते ही हैं, ठीक है। मैंने भी कौन सा मेरे को आता था, मैंने भी तो पढ़ा है तब जाके तो आया है, ठीक है। तो चलिए उस चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या होने वाला है, कौन सा पहले आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।